हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इवेपोरेशन एंड क्वेश्चन रिलेटेड टू इवेपोरेशन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन और एक एक्टिविटी आगे करेंगे। बेटा बॉइलिंग और इवेपोरेशन क्या है? बेटा देखिए, बॉइलिंग इट इज़ अ बल्क फिनोमिना ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैस स्टेट, यानी कि लार्ज स्केल पे लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट होते हैं, इसलिए बल्क फिनोमिना लिखा है। इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड स्टेट इनटू गैस स्टेट। ये सरफेस से वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट होते रहते हैं, इसमें सरफेस का कोई लिंक नहीं। नेक्स्ट इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि जो बॉइलिंग है ये क्या है, इट इज़ अ आर्टिफिशियल प्रोसेस और नेचुरल प्रोसेस है इवेपोरेशन। ये आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, ये नेचर ऑपरेट करती है, नेचुरल। एंड द थर्ड डिफरेंस इज दैट कि जो बॉइलिंग है ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है और जो इवेपोरेशन है ये बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं होता है। ये सिर्फ एब्जॉर्ब किया वाटर, वेपर ने हीट, वाटर ने हीट एब्जॉर्ब किया, वेपर बन गया। यानी कि जैसे वाटर की बात करें तो ये 100 डिग्री पे होता है, ये बिलो 100 डिग्री पर होता है। नेक्स्ट इज कि जो बॉइलिंग है ये कूलिंग कॉज नहीं करता, इट डज नॉट कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन क्या करता है? कूलिंग कॉज करता है। बॉइलिंग में इट अकर्स एट द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, बॉइलिंग में बबल्स बनते हैं तब होती है। बबल्स बनने लगे तो हम कहते हैं लिक्विड बॉयल हो गया, और सरफेस में कभी भी बबल्स नहीं बनते। आप देखेंगे बारिश का पानी इवेपोरेट होता है पर कभी भी बबल्स नहीं बनते। सो दिस इज व्हाट वी कैन से द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। आइए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी करते हैं जिसे हम पता लगा सकते हैं कि इन्वायरमेंट में वाटर वेपर्स हैं या नहीं। क्या एक्टिविटी है बेटा? एक्टिविटी टू शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। एक्टिविटी टू शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। वाटर वेपर्स एयर्स में आते कहाँ से है बेटा? इवेपोरेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन से। इवेपोरेशन पॉन्ड, लेक, सी से, रेस्पिरेशन ह्यूमन करते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म करते हैं, ट्रांसपिरेशन लीव से होता है। ठीक है बेटा, तो हमने क्या किया, इस एक्टिविटी को कैसे प्रोसीड करेंगे? एम टू शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। मटीरियल रिक्वायर्ड, स्टील या ग्लास टम्बलर, क्रश्ड आइस, कॉटन क्लॉथ। प्रोसीजर ये देखिए बेटा, हमने क्या लिया, हमने एक स्टील टम्बलर लिया, ये लिखा, उसमें क्रश्ड आइस लिया, ये लिख दिया, उसके बाहर के सरफेस को अच्छे से क्लीन कर दिया ताकि पहले कोई वेपर ना हो, ये भी लिख दिया, कॉटन क्लॉथ से क्लीन किया, 5 मिनट तक इसे छोड़ दिया इन्वायरमेंट में नॉर्मल टेम्परेचर पर। हमने देखा थोड़ी देर बाद यहाँ छोटे छोटे ये वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो गए। ये छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए? ये हमने देखा कि लार्ज टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स इसके चारों ओर जो इकट्ठे हुए हैं ये एयर से आए। तो इसका मतलब क्या है, ये छोटे छोटे लार्ज टाइनी ड्रॉपलेट्स इसके चारों ओर इकट्ठे हुए ये कहाँ से आए? वी सी द लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन इट्स आउटर सरफेस। तो हमने ऑब्जर्व किया कि एयर अराउंड द स्टील टम्बलर कंटेन्स वाटर वेपर एंड वैन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द क्रश्ड आइस, जो क्रश्ड आइस का सरफेस है जैसे ये इसके कॉन्टैक्ट में आती है तो क्या हो जाएगा बेटा, द कम्स इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड आउटर सरफेस ऑफ टम्बलर दे कंडेंसेस, कंडेंसेशन हो गया, यानी कि वेपर से वाटर बन गए, टू फॉर्म द टाइनी ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड वाटर। इससे हमने कंक्लूजन कर लिया। सो वी कंक्लूडेड दैट द फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर आउटसाइड द टम्बलर Containing crushed ice shows the presence of water vapor in it. You can do this activity at your homes. Next, two states of plasma रह गई हैं बेटा। Plasma क्या है? देखिए ध्यान से देखिए, what is plasma? It is a fourth state of matter. One mark की definition देनी है तो सिर्फ इतना ही लिखना है हमें। It is a mixture of free electrons and ions. Free electrons और ions क्या होते हैं? कोई भी atom तीन particle से मिलकर बना है, electron, proton और neutron. जब किसी और उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो उसमें क्या रह जाएंगे, फ्री आयंस रह जाएंगे। ठीक है, जो आयंस मतलब पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मिक्सचर ही क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा नेचुरली कहाँ होती है? नेचुरली प्लाज्मा अकर्स इन द स्टार्स, इनसाइड द स्टार्स व्हेन द टेम्परेचर इज सो हाई इट ब्रेक्स अप इनटू एटम्स। और एटम्स में क्या होता है, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक्स अवे फ्रॉम द एटम कन्वर्टिंग द रेस्ट ऑफ एटम इंटू इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। मैंने क्या कहा बेटा कि जब स्टार्स में टेम्परेचर बढ़ता है
तो उसके मॉलिक्यूल एटम में टूटते हैं, एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, पीछे पॉजिटिव चार्ज बच जाता है जिसे हम आयंस कह रहे हैं। दिस मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस इन स्टार इज कॉल्ड प्लाज्मा। ये मिक्सचर क्या कहलाता है? प्लाज्मा। ठीक है, सन और स्टार्स जो वो ग्लो करते हैं ये भी किसके कारण ग्लो करते हैं? दिस ऑल्सो ग्लोज ड्यू टू द प्लाज्मा। ये भी प्लाज्मा के कारण ही ग्लो करते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? आर्टिफिशियली कहाँ यूज़ हो रही है? आर्टिफिशियली फ्लोरिसेंट ट्यूब्स और नियॉन साइन बल्ब्स में यूज़ हो रही है। मेक्स द फ्लोरिसेंट ट्यूब्स एंड नियॉन साइन बल्ब्स टू ग्लो। नेक्स्ट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इज ए फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। किसने बनाया? सत्येंद्रनाथ बोस, इंडियन साइंटिस्ट। एल्बर्ट आइंस्टाइन, फॉरेन साइंटिस्ट। आइंस्टाइन का नाम आपने सुना ही होगा बेटा, ये अपने ब्रेन का 3% यूज कर पाया था, सुपर डुपर साइंटिस्ट बन गया था। उन्होंने क्या किया? दे कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, बहुत कम डेंसिटी की गैस को, कितनी कम डेंसिटी? 1/1 लाख टाइम्स ऑफ द डेंसिटी ऑफ एयर, एयर की डेंसिटी का 1 लाखवां हिस्सा, उसको सुपर लो टेम्परेचर पर कूल किया तो एक स्टेट बन गई जो सॉलिड लिक्विड गैस और प्लाज्मा नहीं थी। इसे हम बोले इन दोनों ने बनाई हुई थी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट नाम दिया गया। और डिटेल इसकी आपके सिलेबस में नहीं है, रिवर्स करके, रिपीट करके, रिवाइंड करके, पॉज करके एक बार फिर से देख सकते हैं। जब कोई लो डेंसिटी की गैस को बहुत कम टेम्परेचर पर लेके जाएं तो जो स्टेट क्रिएट होती है उसे बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी थे जो रह गए थे, वो हम 1 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन बड़े आसानी से आते होंगे। क्वेश्चन देखिए, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। नेफ्थलीन बॉल्स क्या होती हैं? वो छोटी छोटी वाइट कलर की बॉल्स जो वॉश बेसिन्स में रखी जाती हैं, टॉयलेट्स में रखी जाती हैं और कपड़ों में रखी जाती हैं मॉथ्स और इंसेक्ट रिपेलेंट के लिए। नेफ्थलीन बॉल वॉलेटाइल सॉलिड है, इसका लो बॉइलिंग पॉइंट है, इसका सब्लिमेशन हो जाता है, सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है रूम टेम्परेचर, तो इन्वायरमेंट में रही नहीं, लिक्विड कुछ बचता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वी कैन गेट द परफ्यूम स्मेल सिटिंग सेवरल मीटर अवे। क्यों? सिंपल, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, तो ये दूर तक चले जाते हैं। अगर एक रूम में इसे खुला छोड़ दें तो सारा परफ्यूम की बोतल खाली हो जाए, ठीक है ना? क्यों? दे कम इन द आउटसाइड एंड द पार्टिकल्स मिक्स विद द एयर, और एयर के साथ ये स्प्रेड हो जाते हैं। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड जस्टिफाई। प्रॉपर्टीज लिख दो वाटर की, इसमें फ्लूइडिटी, नो डेंसिटी, इंटर पार्टिकल स्पेस, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, डेफिनेट वॉल्यूम, नीड ए वेसल, कुछ भी दो तीन लिख दो बस। आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड, जस्टिफाई, सॉलिड की प्रॉपर्टीज लिख दो, डेफिनेट शेप, साइज, वॉल्यूम, रिजिडिटी, इनकम्प्रेसिबिलिटी। वुडन टेबल इज सॉलिड, फिर सॉलिड की प्रॉपर्टी लिख दो। इसी के साथ बेटा हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। फॉर फर्दर चैप्टर्स वॉच माई वीडियो ऑफ SI इंस्टीट्यूट ऑफ पंकज अरोड़ा। थैंक यू।